सो भाई लोग अभी फिलहाल मैं मास्क पहना हूँ, मेरा हेलमेट, और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मोटिव व्लॉगिंग। सो भाई लोग फाइनली पापा जी आ गए, मैं ये लेके बाहर आ गया हूँ। पापा जी पानी पीने के लिए गए अंदर। ये रही अपनी मस्त बाइक, और कल से भाई अपन मस्त बाइक लेके जाया करेंगे कहीं भी घूमने। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे, अगर कोई साथ हो या ना हो व्लॉग बनेगा। तो भाई लोग अभी फिलहाल हम आए थे गुरुदेव ऑप्टिकल पे, बिकॉज पापा जी को कुछ उनके चश्मे का लेंस का कुछ काम कराना था, तो वो करवा लेते फिर चलेंगे। तो भाई लोग पापा जी का चेंज करवाते करवाते मेरा भी चेंज हो गया है भाई। अंकल जी बोल रहे, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए थे, तो अंकल जी ने बोला कि तुम ये ट्राई करके देखो, तो अभी ये लेके जा रहा हूँ मैं। एक दो दिन बाद वापस आके मेरा वाला नया बना के दे रहे हैं, या फिर नया ला के देंगे भाई कुछ, बिकॉज भाई उस चश्मे के बिना मेरी कोई पहचान कम हो जाती है ना भाई। बिकॉज उस गॉगल की वजह से मुझे 50% लोग जानते हैं कॉलेज में, कॉलेज के 50% लोग मुझे उसी चश्मे के लिए जानते हैं, तो चेंज नहीं करवाऊंगा मैं, वही रखूंगा फ्रेम फ्रेम सब, वो अंकल जी ला के देंगे, तब तक इसको यूज़ करना है। तो भाई लोग फाइनली अपना काम हो गया, मतलब पापा जी ने अपना गॉगल डाल दिया है और मेरा तो बनने के लिए रेडी रखा है। तीन दिन में हो जाएगा शायद से काम। चलो अभी चलते हैं मस्त और लेके आते हैं अपना हेलमेट। तो भाई लोग फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। भाई कसम से मेरे को ऐसे ब्लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो हम पहुँचे हैं भाई यूनिटी ऑटो, यहाँ पे मतलब सर्विस भी होती है बाइक्स की और हेलमेट वगैरह सब मिलते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं कौन सा मुझे अच्छे सूट होता है और कौन सा लेता हूँ मैं। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से वापस बिना हेलमेट लिए, बिकॉज इनकी एक अलग स्टोर है भाई जो कि स्पेशली सिर्फ हेलमेट्स की है। उन्होंने हमको कार्ड दिया और पता बताया, तो अभी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से लेते हैं, बिकॉज उनके पास स्पेशल सिर्फ यही होता है हेलमेट, और इनके पास सर्विसिंग और वो सब है, तो हेलमेट नहीं उनके पास मेरे साइज़ के। चलो वापस चलते हैं, वापस नहीं थोड़ा सा आगे जाना है बस, वहाँ पे चेक करते हैं, मेरे साइज़ का मिलना चाहिए भाई बस, तो मेरे साइज़ के काफ़ी ज़्यादा कम ही हेलमेट मिलेंगे और वो मुझे अच्छा भी लगना चाहिए, तो साइज़ में और कंफर्टेबल होना चाहिए भाई साहब। ट्रैफिक भयंकर हो रहा है बीच में, ये ऐसे चल रही है यार, कसम से कलेश आ रखे आज, आज ही के दिन होना था इतना सब। जल्दी चलो। तो भाई लोग फाइनली अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए भाई हेलमेट के शॉप पर। एक्चुअल में भाई काफ़ी सारे हेलमेट्स हैं यहाँ पे। तो भाई लोग अभी फिलहाल मैंने ये ट्राई करा था, कसम से बहुत बड़ा है ये साइज़ में। तो भाई लोग अभी फिलहाल मैंने ये ट्राई करा है, ये साइज में परफेक्ट। तो भाई लोग अभी फिलहाल हम आए थे दूसरे स्टोर पे चेक करने के लिए भाई, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली जा रहा था, मुझे चेक करने आए हैं जस्ट, अगर नहीं हुआ तो वहीं से लेना। तो भाई लोग सेकंड वाले पे मैंने ये ट्राई करा है। तो भाई लोग फाइनली हेलमेट ले लिया है भाई, देख लो उल्टा है बिल। हाँ देख लो भाई, बिल विथ बिल, हाँ बिल्कुल, अपन बिल्कुल ठिकाने काम नहीं होने चाहिए, बाद में टेंशन हो जाता है विदाउट बिल कुछ भी चीज़ ले ली तो, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस घर पे जाके ना ये माउंट अलग से लगाना पड़ेगा, उनको नहीं लगाते हैं, तो ठीक है भाई मैं घर पे ही लगाऊंगा। एनीवेज अपना काम हो गया, चलो जल्दी। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं और पापा जी आए हैं किरण चा, बिकॉज उसको शुगर वुगर लेनी थी भाई, ख़त्म हो रही थी शुगर, चाय पी पी के मैंने ही ख़त्म करी आधी। तो भाई लोग चलो हमने ये ले लिया, और विद बिल भाई, बिना बिल के कोई काम नहीं करता मैं, मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसके अंदर भाई पूरा मेरा अमाउंट वो सब पड़ा है, फिर भी रखना पड़ रहा है।
भाई लोग अभी फिलहाल मैंने मस्त ट्राई करके रखा है मेरा वाला न्यू GoPro, लिटरली मस्त हो रहा है साइज वाइज में, बस ये ऑफ नहीं हो रहा, मस्त है मस्त है भाई। सो भाई लोग अभी बताओ भाई कैसा लग रहा है लोग भाई का, तब बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे थे लेकिन अभी मस्त लग रहा है। और आई थिंक सो मुझे ना ये स्क्वायर की जगह ना सर्कल में लगना चाहिए था फ्रेम, तो हो सके तो मैं कल जाके चेंज करवा लूँगा, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। पापा जी को चश्मा वगैरह सब ठीक है लेकिन फ्रेम मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं देखूँगा सर्कुलर अगर मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। लोग फाइनली हियर इज माय हेलमेट विथ माउंट कनेक्टेड, कसम से भाई इसको देख के ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता यार। अभी ना अभी इसको पहले मैं अच्छे से सेट करता हूँ, हेडफोन मतलब माइक तो देखता हूँ मैं, पहले ये ट्राई करके देखता हूँ कैसा रखता है, उसके बाद फिर माइक वाइक भी ऑर्डर कर दूँगा। चलो पहले नीचे चलते हैं और हेडफोन वगैरह सेट करवा लेते हैं और फिर एक मस्त टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। सो भाई लोग अभी फिलहाल मैंने मस्त कैमरा घूम मेरा हेलमेट और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मोटिव ब्लॉगिंग, देखो कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं, हैंड अपनी दिखा दी इनको बस अंदर से ये निकल ही रहे। एनीवेज चलो चलते हैं मस्त एक राइड लेके आते। सो लेट्स गो, चलो अपने फ्लिप फ्लॉप लेके चलते हैं भाई, मैं फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग ट्राई कर रहा हूँ तो अगर कुछ मिस्टेक हो तो हंसना मत प्लीज़। हाँ सो भाई लोग अभी फिलहाल भाई हो रही है मस्त। सो भाई लोग बस यही था आज का सेकंड पार्ट ऑफ न्यू एडवेंचर, बिकॉज कल से अब तो मस्त मस्त ब्लॉग आएंगे, उसमें मोटो ब्लॉग्स भी होंगे, डेली ब्लॉग्स भी होंगे, फूड ब्लॉग्स, सब मतलब मिक्सअप होने वाला है, तो बने रहना भाई चैनल पे और शेयर कर ही दिया करो यार, एक आध बार तो कर ही दिया करो। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।